नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ खाना खाया करती हैं, तो उनको कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियां ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, देवों के देव महादेव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने आसन पर विराजमान थे। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसी के निवारण के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तब भगवान कैलाश पति माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम उसे बिल्कुल निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न हर शंका का निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। अब भगवान शिव की बातों को सुनकर माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जैसे मैं सबसे पहले आपको भोजन ग्रहण करवाती हूँ, उसके बाद में मैं स्वयं भोजन ग्रहण करती हूँ, मैं नित्य आपकी सेवा में तत्पर रहती हूँ, मैं रोजाना आपके चरण वंदन करती हूँ, रोज आपके चरणों को दबाती हूँ, किंतु हे प्रभु, मेरे मन में उठ रहा वह प्रश्न यह है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना शास्त्रों और वेदों के हिसाब से उचित है? समस्त वेद और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे नाथ, स्त्री द्वारा किया गया वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरक गामी बन जाती है? हे नाथ, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। अब भगवान शिव माँ पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य को मन में धारण कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आपने यह जो मुझसे आपने प्रश्न किया है उसका समाधान मैं आपको एक अत्यंत ही प्रिय कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस कथा में देवी उर्वशी के जीवन में घटित हुई घटना के विषय में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर स्त्री पति के साथ भोजन कर ले तो वह किस पाप की भागीदार बनती है। यदि वह अपने पति के साथ या पति के खाने से पहले खाना खा लेती है तो उसका क्या होता है? भगवान शिव की यह बातें सुनकर माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, यह देवी उर्वशी कौन थी? उस स्त्री का आचार विचार कैसा था? हे नाथ, कृपया आप इस स्त्री के विषय में मुझे बताइए। आपके कहे कथन के अनुसार मेरे मन में देवी उर्वशी के विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं तुम्हें देवी उर्वशी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को सुनाता हूँ। हे देवी, इस कथा के अनुसरण से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनो। साथ ही जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव के साथ सच्चे मन से ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है और इस कथा का प्रचार करता है, वह मनुष्य यशस्वी और सौभाग्यशाली बनता है। उस व्यक्ति को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। अब महादेव से माँ पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें अब कथा को सुनाता हूँ। हे देवी, आज से कई वर्ष पूर्व जनकपुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धर्मराज था। महाराज धर्मराज धर्म का पालन करने वाले एक अत्यंत ही गुणवान चरित्रवान और अत्यंत न्यायप्रिय एक कुशल सम्राट थे। महाराज का विवाह मगध नरेश की पुत्री देवी उर्वशी के साथ हुआ था। देवी उर्वशी एक पतिव्रता और न्याय के प्रति अपने पति के समान ही थी। देवी उर्वशी सत्य व्रत का पालन करने में सर्वगुण संपन्न गुणवान तथा महान पवित्र स्त्री थी। देवी उर्वशी के पति महाराज धर्मराज के राज में सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने अनेकों देवालय बनवाए, अनेकों पोखरे खुदवा, अनेकों वाटिकाएं बनवाई तथा महाराज सदैव ही साधु संतों की रक्षा में तत्पर रहते थे। महाराज धर्मराज जहाँ राज्य करते थे उस राज्य के समीप एक बहुत ही घना जंगल था। वह जंगल इतना बड़ा और घना था कि उस जंगल
में जाने से सभी मनुष्य दिन में भी डरते। उस घने जंगल में एक आदमखोर सियार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह सियार बड़ा ही विशाल काय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य बड़े भयभीत रहते थे। उस सियार के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरते थे। वह सियार रात को अपने शिकार के लिए निकलता था। उस सियार ने अपने भयंकर आकार की वजह से कई इंसानों को अपना शिकार बनाया और आहत भी किया था। फिर जब यह बात महाराज धर्मराज को पता चली तो उन्होंने उस सियार का शिकार करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैंने इस सियार का शिकार नहीं किया तो एक ना एक दिन यह हमारे राजमहल में भी आ सकता है। महाराज इतना सोच ही रहे थे कि उधर से कुछ गांव वाले आए और वह सभी कहने लगे, महाराज एक भयंकर सियार ने आपके राज्य में उत्पात मचा रखा है। आज भी उसने 5 बच्चों का शिकार कर लिया है, उन्हें मार के वह खा गया है। फिर क्या था, गांव वालों की बात को सुनकर महाराज अपनी पत्नी देवी उर्वशी तथा कई सैनिकों और कुत्तों को ले लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े पराक्रमी और बड़े ही धनुर्धर थे। महाराज ने अनेक विशालकाय शेरों बाघ का तथा दैत्यों का वध किया था, इसीलिए वे इस भयंकर आदम सियार से अपने राज्य के नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सियार का शिकार करने के लिए चले गए। जब महाराज के साथ कई सारे सैनिकों साथ उस भयंकर आकार वाले सियार ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह सियार अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा, हे प्रिय, देखो यह जनकपुरी राज्य के महान सम्राट महाराज धर्मराज है। महाराज धर्मराज महापराक्रमी और महातेजस्वी है और वे अपनी सेना की कुछ टोली को लेकर हमारी तरफ ही बने चले आ रहे हैं। होना हो वह इस वन में मेरा ही शिकार करने के लिए आ रहे हैं। महाराज के साथ बहुत से कुत्ते और व्याध है, इससे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ जैसे विशाल काय सियार पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज धर्मराज बड़े पुण्यात्मा है, इन्होंने बहुत से राजाओं को अपने बल और ज्ञान से परास्त किया है। महाराज धर्मराज राजाओं के भी राजा हैं, समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज धर्मराज के साथ युद्ध करूँगा। मेरे अंदर जितना बल है मैं वह सब कुछ उनके सामने दिखाऊंगा। अगर युद्ध में मैंने महाराज को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, परंतु इसके उपरांत यदि मैं महाराज कश्यप के हाथों से मारा भी गया तो मुझे इस सियार के जन्म से छुटकारा मिल जाएगा और मैं शिवलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए थे और मेरे पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण ही मुझे सियार का जन्म प्राप्त हुआ है। अब इतनी बात कहने के बाद वह सियार अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र को लेकर जल्दी से नदी के पास वाले पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब मेरा वह समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज धर्मराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो महाराज धर्मराज के द्वारा मेरे ऊपर छोड़े गए एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सियार की पत्नी सियार की ऐसी बातों को सुनने के बाद कहने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण ही इस विशाल काय वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, आपके द्वारा लाए गए ताजे मांस का आहार ग्रहण करते हैं। हे नाथ, आपके ही कारण उन्हें शेर बाघ आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, है क्योंकि आप जैसा महाबलशाली इस वन में और कोई नहीं है, है आप ही इनकी रक्षा करते हैं। हे प्रिय, आपके भीषण रूप के चलते ही समस्त मनुष्यों में आपका खौफ है, इसी वजह से कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। हे प्रिय, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो इन सभी से फिर मेरी और हमारे पुत्रों
की रक्षा कौन करेगा, हे नाथ आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आपके बिना तो हम असहाय हो जाएंगे, पति के बिना मेरा क्या होगा। किसी भी स्त्री के लिए उत्तम सुवर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है, पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। हे प्रिय आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, हे नाथ हे अन्नदाता आपके बगैर हमारा पूरा कुल जीवित ही नहीं रह सकता। हे नाथ मैं अपना कथन सच कहती हूँ, यदि मुझे आपके साथ नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए हे स्वामी आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ नदी के पास वाले पर्वत के अंदर चलिए, जब तक महाराज हमें ढूंढेंगे हम वहाँ पर छुपकर बैठ जाते हैं। हे नाथ आप जीवन जीने की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा, हमारे बच्चे आपके बिना तो अनाथ ही हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बात को सुनके वह सियार कहता है, हे प्रिय तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार करके युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर युद्ध के मैदान से नहीं भागना चाहिए। जो भी वीर ऐसा कार्य करता है उसको 1000 वर्षों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। अगर कोई वीर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज धर्मराज हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं तो वे हमारे अतिथि हैं और शास्त्र यही कहते हैं कि अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी वीर पुरुष द्वारा किया गया अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसीलिए मुझे महाराज धर्मराज के साथ युद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है। पति की बात सुनकर उस सियार की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ ठीक है, यदि आप आज महाराज के साथ युद्ध ही करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी और मैं भी आपके साथ युद्ध क्षेत्र में चलकर महाराज कश्यप से युद्ध करूंगी। अब इतना कहकर उस सियार की पत्नी अपने पुत्रों के पास जाती है और उनसे कहती है कि हे पुत्रों मेरी बात को तुम सभी ध्यान से सुनो, आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं और मैं उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता के साथ जा रही हूँ, इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों और बहनों के साथ में नदी के पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज बड़े ही बलवान हैं, मुझे पता है कि महाराज धर्मराज इस युद्ध में हमारा सहार कर देंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ सदैव अपने बच्चों का भला ही चाहती है, इसीलिए तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर नदी की पास वाली गुफा में जाकर छिप जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस सियार के सभी बच्चे कहने लगे, हे माँ हम अपने यशस्वी पिताजी की संतान है, हमारी रगों में हमारे पिताजी का खून है, जब मेरे पिताजी वहाँ युद्ध करने जा रहे हैं तो हम कहीं जाकर छिप नहीं सकते। जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापाप होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे उसके दुखी समय में छोड़कर चला जाता है, जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में देखकर वह छोड़कर चला जाता है वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। जब उस सियार के बच्चे नहीं माने तो वह सियार की पत्नी अपने बच्चों को लेकर सियार के साथ युद्ध करने के लिए जाती है और उन सभी को आगे भेज देती है। महाराज धर्मराज अपने सभी बलवान शूरवीर योद्धा के हाथ में तलवार और भाले लेकर सभी सियार पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सियार और राजा के सैनिकों के बीच में भीषण युद्ध होने लगता है, दोनों पक्षों से सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सभी सियार अपने नुकीले दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो वही महाराज के सैनिक अपने भालों से सियारों को मारने लगते हैं।
इस युद्ध में अनेक सियार मर गए और पता नहीं कितने ही घायल हो गए, और इस महाविनाशक युद्ध में महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और कई सैनिक घायल हुए। अब केवल वह सियार और उसकी पत्नी और उसके कुछ पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर वह सियार की पत्नी भयभीत हो गई और विलाप करने लगी। वह सियार अपने पति से कहने लगी, है नाथ, मुझे और अपने इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज धर्मराज के सैनिक हमारे प्रजाति के सभी जीवों पर भारी पड़ रहे हैं, कृपया मेरी बात को सुनो। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज धर्मराज हम सभी को मार डालेंगे। अपनी पत्नी को ऐसा भयभीत देखकर वह सियार कहने लगा, है प्रिय, दो शेरों के बीच में एक सियार पानी पी सकता है, लेकिन दो सियारों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सियार जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण से सियार से सभी भयभीत हो जाते हैं। और तुम कहती हो कि मैं इस युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाऊं, अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सियार की जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। सियार की बात सुनकर सियार की पत्नी कहने लगी, है नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपने मेरा आदर सम्मान करके मुझसे रति क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है, आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। किंतु हे नाथ, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, फिर क्या था। पत्नी के ऐसा कहने के बाद वह सियार और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। अब वह सियार भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सियार अपने सामने आए बड़े से बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। जब महाराज धर्मराज उस भेड़िये की गर्जना और अपने सैनिक को ऐसा मारता हुआ देखते हैं, तो अपने सैनिकों को मरता हुआ देख कर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष बाण निकाल कर उस सियार पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज के द्वारा छोड़े गए बाणों का वेग इतना तीव्र होता है कि वह जाकर सीधा उस सियार के शरीर में घुस जाता है, जिससे वह सियार मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। महाराज के द्वारा किए गए प्रहार से वह सियार मर जाता है। उस सियार के मरते ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वह भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। महाराज के सैनिक अपने अपने हाथ में भाले लेकर उस सियार की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तुरंत ही वह सियार की पत्नी अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहने लगती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं इन सभी सैनिकों को रोकने का प्रयास करती हूँ, तब तक तुम सभी यहाँ से तुरंत ही भाग जाओ। अब उन सब में से जो सियार का सबसे बड़ा बेटा था, वह बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ पर धिक्कार है, मैं कोई ऐसी वैसी संतान नहीं हूँ, मैं अपने पिता के समान युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे भाइयों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर सियार की पत्नी कहने लगती है, हे मेरे पुत्र, मैं महापापिनी बन जाऊंगी, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं। वह सियार की पत्नी इतना कह ही रही थी कि इतने में ही राजा के सैनिक उन सियार के पास में आ जाते हैं और सभी उन सियार पर प्रहार करने लगते हैं। अब सियार का बड़ा बेटा अपने पिता के समान ही शूरवीर था, वह अपने पिता के समान ही बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। जब महाराज धर्मराज यह देखते हैं, तो वह आगे आकर उस दो सियार के बड़े बेटे का भी वध कर देते हैं। जब सियार की पत्नी अपने पुत्र को यूं मरा हुआ देखती है, तो वह भी बहुत क्रोधित हो जाती है और राजा धर्मराज के सैनिकों पर भीषण प्रहार करने लगती
है, उसने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी देख रही थी। अपने सैनिकों को यूं मरता देख रानी महाराज कश्यप से कहने लगी, है महाराज, उस सियार की पत्नी को देखो, वह अपनी भीषण गर्जना दिखाते हुए हमारे सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं कर देते। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह सियार की पत्नी एक स्त्री है, मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसीलिए मैंने उस सियार की पत्नी को ना खुद मार रहा हूँ और ना किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा ही भय लगता है। अब महाराज इतना कहकर चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक महाबलशाली सिपाही था, उसने उस सियार की पत्नी पर प्रहार किया। उसके एक ही प्रहार से ही वह सियार की पत्नी जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। सियार की पत्नी जमीन पर गिरने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी ने उस सियार की पत्नी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर रानी को बड़ी दया आई। अब उन्होंने उसके मुंह पर ठंडा जल डाला और फिर उसके सारे शरीर पर वही जल डाल दिया, जिससे उस सियार की पत्नी को होश आया। सियार की पत्नी ने जब रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और अब वह मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, है देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे मेरे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। उस सियारनी के ऐसे वचन सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी ही विचित्र चीज देखी कि एक सियार की पत्नी मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। अब रानी ने उस सियार की पत्नी से कहा, है भद्रे, तुम कौन हो, तुम्हारा बर्ताव विचित्र है, पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व का वृतांत सुनाओ, किस कारण से तुम्हें इस पशु के रूप में जन्म मिला है। अब रानी की बात सुनकर वह सियार की पत्नी कहने लगती है कि हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सियार का जन्म प्राप्त हुआ था, इसी वजह से मुझे भी इसी योनि में डाल दिया गया। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीधाम नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी, उन्होंने मेरा नाम सुलेखा रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर और मुझ जैसी सुंदरता से मन को मोह लेने वाली स्त्री और कोई नहीं थी। है देवी, मैं अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनमोहक थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और मेरे यौवन को देखकर मेरी माता को बड़ा भय सताने लगा। एक दिन वह मेरे पिता से कहने लगी, है नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते, इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह करने के बाद भी मेरे ही घर में निवास करेगा। सुलेखा मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन सिद्धार्थ नाम का एक जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गया। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बातों ही बातों में मेरे पिताजी ने उससे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस सिद्धार्थ ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया। अब क्या था, वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे, परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी। मैं अपनी विवेक शक्ति को खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद का भोजन परोसवा लिया करती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने निकल जाया करती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती रहती थी। मैंने उनके साथ कभी संबंध भी नहीं बनाया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी लगाने नहीं दिया। सिद्धार्थ एक अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने मुझे अनेक
दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे मुझसे अत्यंत दुखी हो गए और मुझसे दुखी होकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे छोड़कर कहीं पर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी हो गए और मेरे पिता मेरी माता से कहने लगे, हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पाप चारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुलेखा दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से बिगड़ गई है, इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। हे नाथ, क्योंकि पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसीलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से मेरी माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, अरे दुष्टा कुल घाती नहीं, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार, तेरे ही कारण हमारा इतना प्यारा दामाद हम सबको छोड़कर कहीं चला गया है, इसीलिए तेरा पति जहाँ पर भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुलटा पापिनी दुराचार कहकर संबोधित करने लगे, इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन को चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली सुलोचना नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, है स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली सी स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। सुलोचना का पति सिद्धार्थ ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में लो। फिर सुलोचना ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर सुलोचना के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया। अब वह सियार की पत्नी आगे कहती है कि हे देवी, उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमराज के दो दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यम दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी, इसीलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर महाराज यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे नरक में लेकर गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे इस सियार योनि में डाल दिया। वह सियार की पत्नी बोली, है देवी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है, कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी उर्वशी भागती भागती महाराज के पास गई और महाराज से कहने लगी, है स्वामी, अब मैं क्या करूँ, वह सियार की पत्नी मुझसे मेरे थोड़े से पुण्य मांग रही है, मैं क्या करूं, आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख भुगत चुकी है, तुम अपने पुण्य इसको देकर इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी उस भेड़िए की पत्नी के पास गई और उससे कहने लगी, हे देवी, मैं अपने एक वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही उस सियार की पत्नी के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को चली गई। अब भगवान शिव आगे कहते हैं, हे उमा, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जो स्त्रियां करती हैं
और समस्त स्त्रियों को इस पाप को करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी साफ लिखा है कि एक विवाहित को पति के भोजन कर लेने के बाद ही उसे भोजन करना चाहिए। अब माँ पार्वती कहती है, हे नाथ, मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन कराने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आज की कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हर हर महादेव।